हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ मोंटेरिया विलेज में गांव की वर्चुअल टूर कराने, जहां ट्रैक्टर राइड से लेकर सरपंच का घर, आनंद मेला, गांव का क्लिनिक, ऐसे सब कुछ हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये मोंटेरिया विलेज करजत में है और मुंबई से सिर्फ 2 आवर्स की डिस्टेंस पर है, जहां आप अपना ओन व्हीकल लेकर जा सकते हो। बहुत ही बड़ी पार्किंग है और एल्स आप जा सकते हो बाय ट्रेन टिल करजत रेलवे स्टेशन एंड फिर वहां से आपको ऑटो वगैरह जो है वो मिल जाएगी। ये जितना मुंबई से नियर बाय है उतना ही पुणे से भी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। अंदर एंटर करती फर्स्ट यू हैव टू गो टू रिसेप्शन काउंटर, जहाँ बुकिंग कर सकते हो। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऐसे दोनों ऑप्शंस है फॉर बुकिंग, जिसके सभी डिटेल्स मैंने यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हैं, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, तो वो जरूर चेक कर लेना। बुकिंग होती है यहीं से, यू विल गेट दिस स्मॉल टॉय एज ए गिफ्ट, जो गांव में मिला करता था। तो यहीं से गांव वाली फीलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऑल्सो एंट्री बैंड भी दिया है, जो लेकर एक स्मॉल ब्रीफ सुनने के बाद चलेंगे अंदर, जहाँ बहुत ही मस्त हमारा स्वागत किया जाता है ढोल ताशों से। तो मस्त ये बढ़िया से स्वागत के बाद लेफ्ट की ओर से आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर ये है कबीला। यहाँ से अगर आप जाओगे तो यहाँ पर है मल्टीपल टाइप ऑफ अकोमोडेशन। तो यस, यहाँ वन डे पिकनिक के अलावा आप स्टे भी करने आ सकते हो। बहुत ही यूनिक स्टेज है यहाँ के, जिनका स्ट्रक्चर विलेज वाला दिया गया है और अंदर से सभी लग्जरियस है। यहाँ पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है फॉर दोज हु आर स्टेइंग हियर। बाकी वन डे वालों का जो पूल है वो हम बाद में देखेंगे। सो गाइज, ये है अलीबाबा की गुफा, जिसके अंदर से हम जाएंगे। यहाँ आर्टिफिशियल वाटरफॉल वगैरह भी बनाया है। और जैसे ही आप यहाँ से बाहर आओगे तो ये है हमारा रेस्टोरेंट, जिसका नाम है सबरस रेस्टोरेंट, जहाँ आज के सभी मील्स हम खाने वाले हैं। तो अब टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। तो यहाँ ब्रेकफास्ट का मेन्यू बहुत ही अच्छा है, फ्रूट्स, साउथ इंडियन ब्रेड बटर, शीरा, पराठा एंड इवन नॉनवेज में बुर्जी भी अवेलेबल है विथ हॉट टी। मैंने तो मस्त भरपेट नाश्ता कर लिया है और मुझे टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा, सब कुछ मेरा फेवरेट था। तो अब मस्त नाश्ता करके चलेंगे हम आगे। सबसे पहले तो ये देखो, ये है मोंटेरिया रेलवे स्टेशन, जहाँ हमारी ट्रेन ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आप नोटिस करो तो ये ट्रेन भी गांव वाली है, ना कि कोई लोकल ट्रेन, जिसके अंदर मस्त आप फोटोशूट वगैरह कर सकते हो और बाहर भी काफ़ी अच्छा खेती का नज़ारा है। तो ये जो आप देख रहे हो फार्मिंग, वो सब्जियों की फार्मिंग है और यही सब्जियां वगैरह का यूज़ होता है हमारे खाने में। तो फ्रेश वेजिटेबल्स का फूड ही आपको यहाँ पर सर्व किया जाता है। तो अब ये ट्रेन से उतरते ही अगर आप आगे जाओ तो बीच ही रास्ते में मल्टीपल चीज़ें आपको देखने मिलेगी, लाइक फिश पेडिक्योर, आर्चरी, साइकिलिंग, जो कि पेड एक्टिविटीज़ है, बट यू कैन डू इट। यहाँ से ये सब देखते देखते ये आ गए हम आनंद मेले में। अब अगर आपने कभी गांव का आनंद मेला देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे क्या क्या होता है, पर जिन्होंने नहीं देखा उन्हें वही एक्सपीरियंस यहां पर आके मिलेगा। और आप देख सकते हो यहां पर कैसे बड़े भी यहां आके अपने बचपन की यादों में डूब गए। आनंद मेले में ये बड़ा सा स्विंग है फॉर मल्टीपल पीपल, ये भी काफ़ी अमेजिंग लगा मुझे। बट सबसे बेस्ट तो ये है यहाँ का लक्ष्मण झूला। यहाँ ऐसे मल्टीपल एक्टिविटीज एंड गेम्स है, लाइक पेटिंग जू, पॉटरी, देन कुछ ट्रेडिशनल गेम्स भी है जो आप फ्री में अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। मैं कुछ गेम्स यहाँ खेल ही रही थी तब यहाँ डोमबारी शो चालू हुआ। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि ये एक फोक आर्ट है, जिसमें इस रोप पर एक बहुत ही अमेजिंग शो होता है, जिसे डोमबारी शो कहा जाता है। और ये आज भी कई सारे गाँव में फेमस है और इवन कुछ सिटीज में भी परफॉर्म किया जाता है। तो ये अमेजिंग शो देखकर बढ़ेंगे हम आगे, जहाँ पर हमें करने मिलेंगे एडवेंचर एक्टिविटीज़। यहाँ की ये सभी एडवेंचर एक्टिविटीज़ पेड है, जो आप डायरेक्टली यहाँ आके कर सकते हो, और एल्स बुकिंग के टाइम इसका कॉम्बो पैक ले सकते हो, जो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ बोटिंग, जिप लाइन, एयर साइकिल जैसी कई सारे एक्टिविटीज़ तो है ही, बट ये सभी के साथ एक और फेमस एक्टिविटी है ये जायंट स्विंग, जिसके लिए कई सारे लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर प्रॉपर गाइड है टू टेक केयर ऑफ ऑल द सेफ्टी एंड ऑल, तो जिन्हें मेरे जैसे हाइट से डर नहीं लगता वो एक बार ज़रूर ये ट्राई करें। तो गाइज, अब आनंद मेला एंड एक्टिविटीज़ तो देख ली, अब उसी के सामने है हमारा मोंटेरिया विलेज। तो चलिए चलते हैं मोंटेरिया गांव में।
सो गाइज ये है मोंटेरिया विलेज, जहाँ एंटर करते ही आपको वो गांव वाली फीलिंग जो है वो आ जाएगी। यहाँ साइकिल रिपेयर शॉप है, देन स्मॉल क्लिनिक, छोटा सा दुकान है जहाँ आइस कैंडी वगैरह मिलती है, उसके बाद आइस गोला और गोटी सोडा भी है विच यू कैन बाय हार्डली 30-40 रुपीज़ में आपको मिलेगा। यहाँ गांव में भी पॉटरी करने का चांस आपको मिलेगा विच इज़ कम्प्लीटली फ्री, और अगर आप वो पॉट घर लेके जाना चाहते हो तो बस उसका 50 रुपीज़ कॉस्ट है। अब थोड़ा मैं आपको इस गांव की टूर देती हूँ। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है और उसी के सामने यू विल गेट टू सी सरपंच का घर, देन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम शॉप भी है वेयर यू कैन वेयर दिस ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम एंड क्लिक सम फोटोज विच इज पेड। ऐसे मल्टीपल गांव की दुकान देखने के बाद ये है कठपुतली शो, जो कि मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कठपुतली शो देखा, वो भी मोंटेरिया विलेज में, विच आई रियली एंजॉय। अब ये देखिए मैं गई आगे जादू दैट इज मैजिक शो देखने, और वो भी बड़ा मज़ेदार लगा मुझे। तो अब बज चुके हैं 1:30 और लंच का टाइमिंग हुआ है, तो चलो चलते हैं हमारे सबरस रेस्टोरेंट में फॉर लंच। यहाँ लंच का मेन्यू भी बहुत अच्छा है, फ्रॉम ढोकला टू सब्जी, रोटी, खिचड़ी, दाल राइस, गुजराती कढ़ी, छाछ, ऐसे मल्टीपल वेज आइटम्स के साथ ही साथ नॉन वेज में चिकन करी एंड एग करी भी आपको मिलेगा, जो आप ये बड़े से डाइनिंग हॉल में बैठ के एंजॉय कर सकते हो। सो आफ्टर दिस डिलीशियस लंच, भारी पान की टपरी है जहाँ से आप पान वगैरह ले सकते हो या फिर नारियल पानी भी अवेलेबल है, जो खा के आप थोड़ी देर आराम करने हम जाएंगे ये बड़े से हैमॉक्स पर जो कि इस नारियल के बाग में है। अब रेस्ट करने के लिए यहाँ कुछ और भी बड़े बड़े स्विंग्स है इस पूरे प्रॉपर्टी में, वे यू कैन जस्ट सिट एंड रिलैक्स एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन गो टू स्विमिंग पूल एरिया। तो गाइज ये है यहाँ का बड़ा सा स्विमिंग पूल विथ किड्स पूल एंड वन ह्यूज रेन डांस एरिया, जहाँ कंटिन्यू म्यूजिक रहता है और ये सिर्फ 5 o'clock तक ही चालू रहता है। पूल काफ़ी क्लीन है एंड प्रॉपर क्लोरीन वगैरह भी है इसमें, तो विदाउट एनी वरीज यू कैन एंजॉय इन दिस पूल। ऑल्सो यहाँ एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल के साथ ही साथ बाजू में एक बड़ा सा शॉवर एरिया भी है। आफ्टर enjoying इन दिस pool, लास्ट एक्टिविटी पूरे दिन की जो बचती है वो है ट्रैक्टर राइड विच इज़ कम्प्लीटली फ्री, जो आपको ये पूरा विलेज घुमाता है। यहाँ ओल्ड एज लोगों के लिए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल भी है टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर विच इज जस्ट फॉर 50 rupees पर पर्सन। तो अब ये सब कुछ एक्सप्लोर करके अब मैं आई हूँ यहाँ फॉर इवनिंग स्नैक, जिसमें मुझे मिली दाबेली एंड उसी के साथ लेमन जूस एंड टी भी अवेलेबल है। तो मस्त ये बटर दाबेली खा के मैंने चेकआउट करते करते यहाँ की नर्सरी एंड सुविनियर शॉप भी एक्सप्लोर किया है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट गांव के मेमोरीज के साथ लेट्स गो बैक टू अवर होम। तो अगर आप भी कभी यहाँ पर आते हो तो डू लेट मी नो योर एक्सपीरियंस एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।